गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल पिगमेंट्स के बारे में कुछ बताया था। नेचुरल पिगमेंट्स क्या है? दे आर नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल कलर है वो पिगमेंट्स की वजह से है। ये हाईली कलर्ड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। जबकि कह सकते हैं प्लांट्स आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ पिगमेंट्स। और जो पिगमेंट्स हैं वो जो इससे कलर प्रोड्यूस होता है, हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ ईच स्टेप पर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। वे प्लांट्स में, रूट्स में भी होते हैं, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो सब्जियां हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से हैं। बीट रूट जो चुकंदर है उसमें जो पर्पल कलर है वो भी इन पिगमेंट की वजह से है। किसी किसी प्लांट का जो स्टेम है वो भी कलर्ड होता है, पर्पल कलर का भी होता है, ब्लू कलर का होता है, ग्रीन तो होता ही है। जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और बाकी जो कलर्स हैं ग्रीन के अलावा, बाकी जो कलर्स हैं जैसे उसमें क्रोमोप्लास्ट, जो प्लास्टिड सेल के अंदर प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनिल होता है, उसमें तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन के अलावा सभी कलर होते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। दूसरे होता है सैप पिगमेंट। ये सेल सैप के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, जैसे एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन सेल सैप के अंदर पाए जाते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, फ्लेविलियम क्लोराइड बोलते हैं इसे। और सभी एंथोसाइनिन में तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3, 5 और 7 पोजीशन पर लगे हुए हैं। ये कॉमन है, इसको कहेंगे 3, 5, 7 ट्राई हाइड्रोक्सी। तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड। तो ये एंथोसाइनिन का बेसिक यूनिट या बेसिक स्ट्रक्चर ये है। एंथोसाइनिन से सभी पिगमेंट्स का। और एंथोसाइनिन में तीन OH ग्रुप तो कॉमन है, बाकी के OH और मिथॉक्सी ग्रुप भी लगे हुए होते हैं। और जितने OH ग्रुप हैं उनके नंबर है, उनकी संख्या और उनकी पोजीशन पर एंथोसाइनिन्स का या फ्लावर कलर डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर उनके कितने हैं और किस पोजीशन पर लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कनेर के फ्लावर्स, येलो फ्लावर भी होते हैं, ब्लू भी हैं, रेड भी हैं और पिंक फ्लावर्स भी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट के कलर जो फ्लावर्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं उनके रंग हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मिथॉक्सिल ग्रुप इसमें जो लगे रहेंगे उनकी पोजीशन और कहाँ पर लगे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो एंथोसाइनिन्स में इनको हम पिरिलियम पिगमेंट्स भी कहते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इट इज प्रेजेंट एज 2-फिनाइल बेंजो पिरिलियम क्लोराइड, या इसको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्लेविलियम क्लोराइड कहते हैं। एंथोसाइनिन्स में शुगर रेजिड्यू भी लगा होता है। जब इसमें शुगर रेजिड्यू भी प्रेजेंट रहता है तो हम इसको एंथोसाइनिन्स कहते हैं, एंथोसाइनिन्स। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं 10% HCl से तो शुगर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं साइनिडिन्स। साइनिडिन्स उसमें DIN डिन्स लगा देते हैं, मींस वो शुगर फ्री मॉलिक्यूल है। एंथोसाइनिन्स ग्लाइकोसिडिक पिगमेंट्स का एक ग्रुप है जो बहुत सारे रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली रेड, वायलेट, और ब्लू।
फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बेरीज, स्टेम्स में भी होते हैं, कोई स्टेम अगर ब्लू या वायलेट कलर का है तो उसमें एंथोसायनिंस है, लीव्स में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा लीव्स, उसमें ग्रीन तो मैक्सिमम में ग्रीन लीव्स होती हैं, लेकिन किसी किसी में पर्पल या ब्लूइश लीव्स या थोड़ा रेडिश लीव्स भी देखेंगे, उसमें एंथोसायनिंस की वजह से उनमें कलर है। और रूट, रूट्स में जैसे बीट रूट, चुकंदर, उसमें जो कलर है वो एंथोसायनिंस की वजह से है। लास्ट वीडियो में बताया था एंथोसायनिंस एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, उनके एसिडिक सॉल्ट्स रेड होते हैं। एल्काइन सॉल्ट्स उसके ब्लू होते हैं और फ्री एंथोसायनिंस या न्यूट्रल एंथोसायनिंस वायलेट कलर के होते हैं। बहुत सारे जो फ्लावर्स के शेड्स होते हैं, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एंथोसायनिंस इन डिफरेंट मीडिया, एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। सेम स्ट्रक्चर होगा एंथोसायनिंस का, लेकिन अगर उसका मीडिया डिफरेंट हो जाए, उसके पीएच अलग अलग रहे, तो उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स एंथोसायनिन की सिंथेसिस में मदद करते हैं, जैसे अकुमुलेशन ऑफ शुगर्स, शुगर्स का इकट्ठा हो जाना, स्ट्रॉन्ग लाइट, तेज रोशनी, लो टेम्परेचर, कम तापमान जैसे माउंटेन्स पर रहता है, ड्रॉट मीन्स ड्राई प्लेस, डेजर्ट, लो नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, मिट्टी में कम नाइट्रोजन का होना और ऑक्सीजन सप्लाई। इसके अलावा दो चीजें और हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेज। जनरली देखा गया है अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा इफेक्टिव हैं इन द सिंथेसिस देन विजिबल रेज। यूवी रेज आर मोर इफेक्टिव इन द सिंथेसिस देन विजिबल रेज। नेक्स्ट पॉइंट ये कि सभी एंथोसायनिंस में फ्लेविलियम क्लोराइड कॉमन न्यूक्लियस है और यू कैन सी इट इज अ पैरेंट कंपाउंड। ऑल द एंथोसायनिंस एंड एंथोसायनिडिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ 3,5,7 ट्राइहाइड्रोक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड। नेक्स्ट है द वेरियस कलर्स या द वेरियस पिगमेंट्स डिफर इन द नंबर, नेचर एंड पोजिशन ऑफ अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप एंड शुगर रेसिड्यू। ये तीन ग्रुप्स आप जनरली देखेंगे एंथोसायनिंस में। इन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के अलावा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं किस जगह लगे हुए हैं, या मिथॉक्सी ग्रुप किस जगह लगे हुआ है और शुगर रेसिड्यू है तो कौन सा है और किस जगह लगा है। जनरली एंथोसायनिंस में तीन शुगर कॉमन है, ग्लूकोज, दूसरी शुगर गैलेक्टोज जो मिल्क में भी पाई जाती है, और तीसरी है रैमनोज। ये तीन शुगर जनरली देखा गया है एंथोसायनिंस में मिलती है। एंथोसायनिंस मीन्स शुगर मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ है, इससे अटैच्ड है। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, ये हाइड्रोक्सिल, ये हम हाइड्रोलिसिस से इसको ब्रेक करते हैं। हाइड्रोलिसिस से ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल अलग होगा वो शुगर, शुगर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, अब इसको फिर हम बोलेंगे एंथोसायनिडिन। एंथोसायनिडिन मीन्स शुगर फ्री मॉलिक्यूल। और जो पिगमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है बच्चों, जैसे आप देखेंगे नेचुरल पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पिगमेंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी
और वी कैन से वी कुड नॉट हैव फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोबेबली लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इन एनिमल्स. हाउ कुड ऑक्सीजन एंड सीओ टू बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इन एनिमल्स. कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट और कुछ फंगस और बैक्टीरिया में बिना पिगमेंट्स के उनके वाइटल साइकिल नहीं चल पाएगा. दूसरा एक पॉइंट और है बच्चों, मेलानिन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव स्क्रीन इन ह्यूमंस एंड इन अदर वर्टिब्रेट्स. जो हमारी स्किन होती है उससे मेलानिन होता है. मेलानिन इज फाउंड इन अवर स्किन और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे कि हमें स्किन का कैंसर से ये हमें बचाती है मेलानिन. और बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, सिकनेस में है, कैंसर में है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं उसमें हैं, डिफरेंट सिकनेसेस में इनका हम यूज़ करते हैं. और बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो हम अपने फूड इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं. इस तरह से नेचुरल पिगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये कोई भी चीज़ है उसको आकर्षक तो बनाते ही हैं, इसके अलावा इनका और भी मेडिसिनल यूज़ है, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं. बच्चों नेक्स्ट टर्न पे डिफरेंट एंथोसाइनिन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू बच्चों.